Good morning, sir. We all are here from Lavi Professional University, Department of Physical Education. And today we are going to submit our assignment. And here is Priranjan Kumar, Shiv Sharan Oza, Rishabh Kumar Tiwari from 1905, and I am Ayush Thakur from 1906. Now, खो खो एक बहुत पॉपुलर गेम बन चुका है और इसके बारे में हम थोड़ी हिस्ट्री बात करेंगे कि हाँ खो खो की हिस्ट्री क्या रही है. तो हमारा जो खो खो का एशियन फेडरेशन है वो हमारा बना था 1997 में. वो ड्यूरिंग जो हमारी कोलकाता में इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था साउथ एशियन गेम, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स कंट्री ने हिस्सा लिया था. और जो हमारा फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप हुआ था खो खो का, वो हुआ था कोलकाता 1996 में, जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था. और जो सेकंड हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, जापान, मालदीव्स कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था. तो जब फर्स्ट टाइम खो खो का गेम हुआ था तो उस समय जो हिस्टोरियन थे उन्होंने बताया कि ये एक मॉडर्न फॉर्म है रन चेस का, ठीक है. और ये जो गेम है मतलब महाराष्ट्र में राजा महाराजाओं के द्वारा भी खेला जाता था रथ पे, और इस गेम एशियंट एरा में इसको रथेरा के नाम से भी जाना जाता था गेम को, खो खो को, ठीक है. लेकिन इसमें कोई एक होता है जो स्पेसिफिक रूल नहीं था, बहुत रिगिड रूल था, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था. तो इसका जो रूल तैयार करने के लिए एक रूल बनाया गया, तो उसके लिए एक कमेटी तैयार कर गई. कमेटी तैयार की गई 1914 में, जो कि जिमखाना पूना में तैयार की गई थी. जिमखाना पूना में तैयार की गई थी 1914 में. तो उसमें एक स्पेसिफिक रूल बुक बनाया गया था कि हाँ कौन कौन से रूल होने चाहिए खो खो में, ठीक है. तो एक स्पेसिफिक रूल बुक बनाया गया और उस रूल बुक को 1924 जिमखाना बड़ौदा के द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है. तो ये एक हिस्ट्री है लिटिल बिट अबाउट खो खो, और अभी हम लोग इसके बारे में और जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो थ्रू आप देखिए हमारा इसके बाद रूल्स रेगुलेशन का है, मेजरमेंट का है, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी. और एक अच्छे से कोर्ट का मेजरमेंट आपको बताया जाएगा कि हाथ खोखो का क्या मेजरमेंट होता है कोर्ट का, ठीक है. दैट्स ऑल गाइस.
ये हमारा खो खो का ग्राउंड जो कि पूरी तरह से बन चुकी है और इसका हम अभी मेजरमेंट बताएंगे जो कि लेंथ और विड्थ कितना कितना होता है सबका, जो कि इसका लेंथ होता है 27 मीटर और विड्थ होता है जो हमारा ये लाइन का विड्थ होता है 16 मीटर और ये हमारा जूनियर और सीनियर मेंस और वुमेंस के लिए होता है जो कि सब जूनियर का अलग होता है। जो ये लेंथ हो जाएगा सब जूनियर में आपका 23 मीटर लेंथ हो गया और विड्थ हो जाएगा तुम्हारा आपका 14 मीटर लेंथ विड्थ हो जाएगा सॉरी विड्थ। और आपका नेक्स्ट ये हमारा फ्री स्पेस है जो कि इंड लाइन और स्टार्टिंग लाइन से होती है हमारी फ्री स्पेस है। इसमें कोई भी प्लेयर कहीं भी मूव कर सकता है। ये जो है हमारा फ्री स्पेस है, इसमें कोई भी प्लेयर जो होता है फेस करता है वो कोर्ट से मूव कर सकता है। यहाँ हमारा पोल रहता है जो कि हमारे ग्राउंड पे नहीं है, बट ये जो पोल रहता है ये पोल टू पोल की जो डिस्टेंस होती है 23.50 होती है। ये हमारा हो गया सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन होती है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर ठीक है। और जो सिटिंग ब्लॉक होती है वो उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 30x35 मीन्स जो 35 होती है वो हमारी लेंथ होती है और जो 30 होती है विड्थ होती है। टोटल हमारे 8 सीटिंग ब्लॉक होते हैं जिसमें 8 प्लेयर सीट करते हैं और 1 प्लेयर जो होता है वो 3 प्लेयर को चेस करता है रन करता है। हमारा जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं फ्री जोन और इसका डिस्टेंस इंड लाइन से और इस लाइन का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। उसके बाद सेकेंड हम आते हैं इसका जो इस बॉक्स को बोलते हैं हम फ्री स्क्वायर बॉक्स फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स। इसका जो डिस्टेंस है हमारा 2.55 मीटर। उसके बाद सेकेंड आते हैं सेकेंड जो हमारा कोई भी बॉक्स आएगा इसका डिस्टेंस रहेगा 2.30 मीटर। ऐसे ही करते जाएंगे सेकेंड थर्ड लास्ट तक। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ था वैसे ही लास्ट में वहाँ पर भी सेम वही रहेगा। आइए हम दिखाते हैं सारे हमारे जो बॉक्स रहेंगे हमारे सारे बॉक्स 2.30 मीटर रहेगा और फिर हम लास्ट में जब हम आते हैं तो हमारा सेम वही रहेगा। ये हमारा फ्रीजोन हो गया, फ्रीजोन के बाद सेम वही डिस्टेंस रहेगा 1.50 मीटर। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है उसका 2.55 मीटर पर सब्सक्राइबर यही सेम रहेगा। उसके बाद ऐसे ही सेम आगे बढ़ते जाएगा 2.30 मीटर नेक्स्ट आगे तक जाएगा। अभी एक्चुअली हमारे ग्राउंड में पोल है नहीं बट यहाँ पे पोल स्टेबल होती है और पोल टू पोल की डिस्टेंस होती है 23.50 मीटर एंड जो हाइट होती है उसकी 120-125 सेंटीमीटर होती है ठीक है। वो दोनों एंड पे होता है हमारा और हमारा जो इस पॉइंट से एंड लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 7.85 मीटर होता है इच साइड ठीक है। इधर भी 7.85 होता है, इधर भी 7.85 होता है और जो बीच वाला गैप होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है ठीक है। गवर्नमेंट देख ली हमने, हिस्ट्री देख ली, तो उसके बाद हम कुछ बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो हमारा रूल रेगुलेशन जो पहला पॉइंट है वो आता है कि जैसे कि हमारा क्रिकेट में टॉस होती है वैसे ही हमारे खो खो में भी हम स्टार्ट करते हैं टॉस के साथ ही। टॉस के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम चेज करेंगे या रन करेंगे। हमारे जो एक टीम में प्लेयर होते हैं वो टोटल 12 प्लेयर होते हैं और 9 प्लेयर्स हमारे ग्राउंड पर रहते हैं जिसमें से 9 में से 8 प्लेयर हमारे सिटिंग ब्लॉक पर बैठे रहते हैं और 1 प्लेयर चेज करता है। और ये ड्यूरिंग खो खो मैच 2 इनिंग्स होते हैं जिनको 9 मिनट्स के होते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है जो हमारा चेजिंग करने वाला प्लेयर होता है वो एक डायरेक्शन में ही जाता है। जब तक वो पोल से टर्न नहीं लेगा, अगर डायरेक्शन उसकी चेंज होगी तो वो पोल से ही होगी, नहीं तो वो यूनिडायरेक्शन एक डायरेक्शन में ही। खो खो गेम का जो कोर्ट का डायमेंशन होता है वो और सब गेम के से थोड़ा अलग होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है ठीक है। ऑनली खो खो ऐसा गेम है जिसका कोर्ट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है ठीक है। जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम स्किल पे बात करेंगे। तो हमारे 2 स्किल होते हैं, एक होता है रनिंग स्किल, एक होती है चेजिंग स्किल। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि रनिंग स्किल क्या होती है ठीक है। रनिंग स्किल में 2 पॉइंट आती है। पहली होती है रनिंग जिसमें हमें इंड्यूरेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। अगर कोई प्लेयर हमें चेस कर रहा है तो कितनी स्पीड से रन कर सके, कितनी स्पीड से भाग सकते वो हमारा हो गया रनिंग स्किल। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो गया हमारा क्या बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वो हो गया हमारा डॉजिंग स्किल। डॉजिंग जिसमें हम डॉज देते हैं, जैसे कि ये मुझे छूने आ रहा है, जैसे छू
इधर देखे टॉस देखे इधर अपना मूव करके भाग गया, ये हो गया हमारा डॉजिंग स्किल। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है चेजिंग स्किल, वो बताएंगे आयुष। जैसा कि ऋषभ ने बताया आपको दो स्किल होती हैं रनिंग एंड चेजिंग, तो चेजिंग स्किल अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें भी दो स्किल अटैच होती हैं लाइक टर्निंग या पोल एंड डाइविंग। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ चेजिंग में क्या होता है। तो चेजिंग में एक्चुअली सिंपली जो भी हमारे सिटिंग ब्लॉक्स में बैठे होते हैं चेजर, वो क्या करते हैं रनर को चेज करने के लिए उनको चेजर जो होता है खो देता है और लाउडर उनको पीछे खो देता है ताकि वो वहाँ सिटिंग ब्लॉक्स अपना छोड़कर रनर को नेक्स्ट रनर को पकड़ने जाए और चेस करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो स्किल है वो है डाइविंग। डाइविंग हमारा स्किल जो होता है जो सिटिंग ब्लॉक में जो बैठा है और जो नेक्स्ट प्लेयर उसको होता है तो वो तुरंत डाइव मारता है, डाइविंग करके वो प्लेयर को इजीली टच कर सकता है, वही हमारा स्किल है नेक्स्ट डाइविंग। नेक्स्ट हमारी रन एट अ पोल है जो चेजर हमेशा रोटेट पोल के थ्रू ही करता है। जैसे ये हम कर कभी बता रहे हैं कभी भी टर्न करना है तो हम पोल पाएंगे सीधे उसके बाद टर्न करेंगे।